नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक निफ्टी आउटलुक एंड बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर एंट्री लेवल। कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी का रुझान क्या है, इसका ट्रेंड क्या है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर में कौन सी रेंज पे हम बाय पोजिशन बना सकते हैं और कौन सी रेंज पे सेल पोजीशन बना सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले दिन भी मैंने वीडियो अपलोड किया और वीडियो अपलोड करते आया हूं, तो आज भी फिर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूं नए स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी जो है एक घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, ओके, एक घंटा देखिए, आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 25,490 पे, 25,490 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, थोड़ा सा ओपन हम देख लेते हैं, ओके। अब बैंक निफ्टी ओपन जो है, इसके लिए हमें वन डे का चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। बात पहला हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का रेंज क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 25,490 पे और बुलिश में क्लोज हुआ है, जहाँ पर ओपन हुआ है ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है, ओके। अब बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर आप लोगों को मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, 10 डेज पीरियड, 20 डेज पीरियड, 50 डेज पीरियड एंड 200 डेज पीरियड का। यहाँ पर जितने सारे मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड हमें डाले हैं, इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जो है क्लोज हुआ है और कुछ दिनों से इसके ऊपर ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड में है और अभी तक बुलिश में क्लोज हुआ है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है वॉल्यूम, ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए। और एसआर पैराबोलिक की अगर बात करें तो एसआर पैराबोलिक अभी तक बाय सिग्नल पे है और एसआर पैराबोलिक का जो लेवल है वो है फ्रेंड्स 25,199, यानी 25,199 का हमें एक लेवल दे रहा है बैंक निफ्टी, ओके, एसआर पर के हिसाब से। अगर स्टोकास्टिक आरएसआई का अगर बात करें तो स्टोकास्टिक आरएसआई के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है ओवरबॉट जोन पे है और ये कभी भी गिर सकते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये ओवरबॉट जोन पे है और थोड़े से गिरने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोकास्टिक जो है, स्टोकास्टिक भी ओवरबॉट जोन पे है लेकिन अभी जो है साइडवे चल रहा है। अगर मैं स्टोकास्टिक आरएसआई के बारे में बात करूँ तो ये भी साइडवे चल रहा है, देखिए यहाँ पर, और स्टोकास्टिक भी साइडवे चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है फ्रेंड्स, एक घंटे के हिसाब से कल सुबह जो है यानी 2 नवंबर 2017 को सुबह बैंक निफ्टी पॉजिटिव में रहने की संभावना है। अब हम बैंक निफ्टी के बाकी सारे आउटलुक देख लेते हैं, ओके, उस समय पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो क्या है। तो एक घंटे के चार्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं, ओके, उसके बाद हम निफ्टी फ्यूचर भी देखेंगे और उसका एंट्री लेवल भी देख लेंगे, कहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए एक घंटे के हिसाब से जो है बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है और इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है और एसआर पैराबोलिक भी हमें बाय सिग्नल दे रहा है और वॉल्यूम भी देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है और स्टोकास्टिक आरएसआई जो है वो अभी तक अप ट्रेंड है, डे के हिसाब से है, ओवरबॉट जोन पे है लेकिन अप ट्रेंड में है। M5 भी ओवरबॉट जोन पे है लेकिन अप ट्रेंड में है और स्टोकास्टिक भी ओवरबॉट जोन पे है लेकिन ट्रेंड जो है अभी अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर जा सकता है। अब बाकी सारे आउटलुक जो है वो हम देख लेते हैं। अगर MACD के बारे में बात करें तो 199 है और सिग्नल लाइन 64, यानी MACD मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और जीरो लाइन के ऊपर है और ये ओवरबॉट जोन पे है, कभी भी गिर सकते हैं। ADX के बारे में अगर बात करें, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, तो ADX जो है 21 है और प्लस DI 36 है, प्लस माइनस DI 17, यानी ADX के हिसाब से जो है ट्रेंड जो है अभी तक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन RSI के हिसाब से अगर हम देखें तो 67 है, यानी बाइंग पोजीशन पे है और मीडियम में है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर विलियम परसेंटेज की बात करें तो -3 है, यानी ओवरबॉट जोन पे और ये कभी गिर सकते हैं। बुलिंग सर्वेंट देख लेते हैं, बुलिंग सर्वेंट हम क्या सपोर्ट दे रहा है। बुलिंग सर्वेंट अपर बैंड जो है 25,358, लेकिन मार्केट जो फ्रेंड्स क्लोज हुआ है 25,490 पे और अपर बैंड जो है 25,358 और मिडिल बैंड जो है 24,524 और लोअर बैंड जो है 23,600
90, ओके, यानी अपर बैंड के नीचे ही है, ओके, लेकिन मिडिल बैंड जो है 20 डेज मूविंग एवरेज बुलिश अदर बैंड मिडिल बैंड के ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल रहा है, लेकिन कमोडिटी चैनल इंडेक्स के हिसाब से सेलिंग पोजीशन पे है। अब मूविंग एवरेज देख लेते हैं हमें क्या सपोर्ट दे रहा है। 10 डेज के हिसाब से 24,703, 20 डेज के हिसाब से 24,524, 50 डेज के हिसाब से 24,453 और 100 डेज के हिसाब से 24,218 और 200 डेज के हिसाब से 22,714। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी जो है अभी तक अप ट्रेंड में ही और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जितने सारे इंडिकेटर और मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर देखे हैं टेक्निकल एनालिसिस में से सबसे ज़्यादा एवरेज में जो है बाइंग पोजिशन पर दिखाई दे रहा है। अब हम बैंक निफ्टी नवंबर का देख लेते हैं, नवंबर फ्यूचर में क्या पोजीशन हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर जो है 25,530 में क्लोज हुआ है और देखिए ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। एक बार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टुडे यानी वन डे के हिसाब से बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर जो है रेजिस्टेंस को टच करके रखे हैं, यानी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है और नीचे से रेजिस्टेंस के ऊपर है और ऊपर से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। और 5 डे ईएमए 20 डे ईएमए के ऊपर चल रहा है और 5 डे ईएमए जो है रेजिस्टेंस के ऊपर है और कैंडलस्टिक के नीचे है, यानी कैंडलस्टिक ऊपर है। तो उस तरफ से हम कह सकते हैं जो नवंबर फ्यूचर जो है अभी तक बाइंग पोजिशन पर है। अगर हम एमएसडी के हिसाब से बात करें तो एमएसडी हमें सेलिंग पोजिशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन बार की अगर बात करें एमएसडी बार तो ये अभी तक अपट्रेंड में जाने की दिशा में है। आरएसआई की अगर बात करें तो 67 लेवल पे है, यानी ऊपर की तरफ और भी जा सकता है। और स्टोकास्टिक आरएसआई की अगर बात करें तो ये अभी तक ये ओवरबॉट जोन पे है, कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है क्योंकि स्टोकास्टिक के डीलाइन के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, कल जो है अगर 25,530 के ऊपर अगर ये गैप अप में ओपन होता है या फिर नीचे से ओपन होकर 25,530 के ऊपर 25,530 के ऊपर सस्टेंस करता है तो ये और भी ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी वन डे के चार्ट के हिसाब से, यानी वन डे के चार्ट के हिसाब से जो बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर बाइंग पोजीशन पे है। अब हम वन डे के वन आवर्स चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। वन आवर्स चार्ट के हिसाब से जो है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर और 5 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है और सुपर ट्रेंड जो है बाइंग पोजीशन पे है। एमएसडी की अगर बात करें तो वन आवर्स के चार्ट के हिसाब से पहले एक घंटा बाइंग पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि एमएसडी भी बाइंग पोजीशन पे है और आरएसआई भी बाइंग पोजीशन पे है। स्टोकास्टिक आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन पे है, 93 रेंज पे है, कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है बाइंग पोजीशन पे है बैंक निफ्टी फ्यूचर। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर का पीवोट लेवल देख ले, उसका पीवोट लेवल है 25,433 यानी मार्केट क्लोज हुआ है पीवोट के ऊपर, तो उस तरफ से हम कह सकते हैं बाइंग पोजीशन पे है। अब हम रेजिस्टेंस वन देख लेते हैं, 25,674, रेजिस्टेंस टू 25,814, रेजिस्टेंस 26,194 और सपोर्ट वन जो है 25,294, सपोर्ट टू 25,053 और सपोर्ट थ्री 24,673। तो हम इसमें कब बाइंग पोजीशन और सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, जब ये 25,674 के ऊपर सस्टेंस करेगा। देखिए आज मार्केट क्लोज हुआ है 25,000, देख लेते हैं फिर दोबारा फ्रेंड्स, 25,530 बैंक निफ्टी। अगर कल को ये 25,674 के ऊपर सस्टेंस करता है तब हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और जब ये 25,294 यानी 25,300 के नीचे सस्टेंस करेगा तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो फिर से दोबारा ध्यान दीजिएगा, जब 25,300 के नीचे सस्टेंस करेगा तब हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, और जब ये 25,674 के ऊपर सस्टेंस करेगा, मान के चलिए 25,680 के ऊपर सस्टेंस करता है तो हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था 31 तारीख 2017 को, आज के लिए यानी 1/11/2017 के लिए वहाँ पर हमने बाइंग पोजीशन के लिए यहाँ पर जो लेवल दिए थे 25,131 के ऊपर अगर सस्टेंस करें तो बाय करने के लिए। तो देखिए आज मार्केट, कल हमने बोला था 25,131, लेकिन आज मार्केट क्लोज हुआ है 25,530 पे, यानी करीबन 300 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना सा ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जाकर वैसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर आउटलुक एंड एंट्री लेवल एंड निफ्टी आउटलुक, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ 3-4 स्टॉक के ऊपर, कौन से स्टॉक में हम
कल और ट्रेड कर सकते हैं, उसका एंट्री लेवल, उसका बाइंग सेलिंग सब कुछ हम उसमें डिस्कस करते हैं, वो भी देख लीजिएगा, वो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।